में जीवन बड़ा दुखदायी सा होने लगता है। धन अभाव में लोग अपने स्वाभिमान और गरिमा को खोने लगते हैं। धन का अभाव हो जाता है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटिक हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या शुगर हो जाता है ना, ऐसे कंडीशन में उनको आर्थिक सपोर्ट को भी ज़रूरत पड़ती है। जब आर्थिक तंगी आ जाती है तो घर परिवार के लोग जो है वो भी साथ नहीं दे पाते। ऐसे में जो 8 साल तक का आंदोलन चला, जिस आंदोलन में अशोक मैं फूलचंद यादव मिनी संसद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिनी संसद पर रोज आपको एक जानकारी ईपीएस 95 पर मिलती है, तो ईपीएस 95 पर महान प्रिया पांडे जो है आपको रोज जो है ताज़ी जितनी अपडेट आती रहती है सब बताती रहती है। तो कतिपय कारणों से वो कहीं बाहर गई हुई हैं, तो आपके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। हम भी अक्सर करके ईपीएस 95 पर काफ़ी कमेंट करते रहते थे, तो सर प्रभावित होकर के मिनी संसद के संस्थान के मालिक जो है हमें बुलाया, कहा कर एक विश्लेषण के तौर पे आप अपनी बात रखिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये ईपीएस 95 की लड़ाई आज की नहीं है, विगत कई वर्ष यानी 8 वर्ष इसमें जो है बीत गए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान पर अशोक राउत और राणा सर, वीरेन सर, इस तरह से महान ऐसे विभूतियाँ जो है इस संघर्ष को जो है जारी रखा। 8 साल का समय कम नहीं होता है। इन 8 सालों के संघर्ष के दौरान तो उन्होंने जंतर मंतर से अपनी आवाज़ उठाना शुरू की है, उसके बाद रामलीला मैदान में एक विशाल रूप। आज ईपीएस 95 का मामला जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। सरकार ने एक डेडलाइन दिया था कि जिसमें आपको आश्वासन के रूप में मिला था कि अशोक राव जी, आप लोग जो है सभी पेंशनधारी जो पेंशन के उपभोक्ता हैं नियोक्ता के रूप में, वो सब वापस चले जाएं, आपका काम 31 दिसंबर तक हो जाएगी। धीरे धीरे इंतज़ार करते करते आज 7 जनवरी हो गई, मौसम भी थोड़ा सा आज ठीक है, विकट ठंड पड़ रही है। और इस पेंशन उपभोक्ता के जितने कंज्यूमर्स हैं सब चाहते हैं, देखिए वृद्धावस्था में जीवन बड़ा दुखदायी सा होने लगता है। धन अभाव में लोग अपने स्वाभिमान और गरिमा को खोने लगते हैं। धन का अभाव हो जाता है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटिक हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या शुगर हो जाता है ना, ऐसे कंडीशन में उनको आर्थिक सपोर्ट को भी ज़रूरत पड़ती है। जब आर्थिक तंगी आ जाती है तो घर परिवार के लोग जो है वो भी साथ नहीं दे पाते। ऐसे में जो 8 साल तक का आंदोलन चला, जिस आंदोलन में अशोक राउत जी ने अपने नेतृत्व में लेकर के चले, रामलीला मैदान में पहुँचे, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी मिले, उनकी तरफ से आश्वासन मिला, रक्षा मंत्री और जी से आश्वासन मिला, तो इस तरह से श्रम मंत्रालय में भी गए, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्वासन दिया था 6 महीने पहले कि अब आपकी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो जाएगी, लेकिन आज जो कहते हो अभी ये उम्मीदें काफ़ी टूट गई। कई बार हमारे श्रोता कमेंट करते हैं, अब जुड़ना चाहते हैं बात करके कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, फिर से आना चाहते हैं। अब 8 साल का संघर्ष आपका जो है कहाँ गया, क्या हुआ? वही कि खोदा पहाड़ निकली चुही है, खोदा पहाड़ नहीं। 8 सालों में आपने कुछ अर्जित नहीं किया, इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किया गया, कभी रेल लोगों की तरफ आंदोलन को जो है तो किया गया, कभी रामलीला मैदान में किया गया, तो कभी जंतर मंतर पर किया गया, कभी जो है सब मंत्रालय के सामने किया गया। सब मंत्रालय से भी आप लोगों को आश्वासन मिला कि हो जाएगा, वहाँ के अधिकारियों ने भी कहा कि आप घबराइए मत, हो जाएगा। यानी मथुरा से जो सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला कि आपका काम हो जाइएगा। अब देखिए विकट ठंड पड़ रही है, ईपीएस का मामला एक जगह से जुड़ा हो तो अलग बात है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब भारत के कोने कोने 25 राज्यों से ये मामला जुड़ा है। पेंशन सबको चाहिए, पेंशन का अधिकार भी है जो संवैधानिक है, संविधान में भी है कि पेंशन के आप भागीदार हैं। अब आश्वासन पे आश्वासन मिला, तारीख पे तारीख मिला, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई इस पर किया नहीं। अब आप ये सोचिए, जहाँ ये अंतिम डेडलाइन दी गई थी कि 31 दिसंबर 2023 तक काम हो जाएगा, आज 7 जनवरी हो गया, लेकिन इसकी कोई वो नहीं। लोग कमेंट करके फ़ोन करके जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोग जो है, लोगों के मन में अत्यंत व्याकुलता बढ़ रही है कि हम अपने आंदोलन को इतने दिनों तक खींचे, इतने लंबाई तक
ठीक है। यहाँ तक इस आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई लोग बीमार हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टी हुई, दस्त हुई हुआ, यहाँ तक संघर्ष किए कि लोग जो है गुरुद्वारे में रोटी खा करके भी जो है जीवन यापन किए। आप सपोज करिए कोई बाहर से आ रहा है, यहाँ से असम से, बंगाल से, बिहार से, तो उसको एक दो रोज तो आने में लग जाता है, फिर एक दो रोज धरने में रहता है, फिर उसके लिए चाय पानी खाना पीना दवा इस तरह की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर दो दिन धरने में शामिल होकर के जाना चाहता है, फिर अपने घर जाना चाहता है। अब इस बार जो है जो जानकारी अपडेट आई है कि इस बार जो है 30 जनवरी से जो इसके पुरयोद्धा हैं, लड़ाई को आगे ले जाने वाले हैं, वो लोगों का कहना है कि 30 जनवरी से फिर हम अपना धरना प्रदर्शन सरकार के मांगे, सरकार के सामने अपनी मांगे रखना शुरू करेंगे, क्योंकि ठंड का समय है, अब विकट ठंड पड़ी रही है, कोहरे भी चल रहा है, दूर दराज से लोगों को आना है। ऐसे में 30 तारीख को हमने जब उनसे जानना चाहा कि आप इसको 30 तारीख से ही क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे, उनके शहीदी दिवस पर, तो हम इस अपने आंदोलन को जो है एक नया रूप देना चाहते हैं। इस बार 30 जनवरी को सबसे पहले जो है उत्तराखंड देवभूमि के लोग आना शुरू करेंगे, फिर 31 को दूसरे प्रदेश के आएंगे, फिर 1 को दूसरे को, 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे। ऐसी जानकारी अशोक राउत जी से मिल रही है, बीरेन सर से मिल रही है, ये धीरे धीरे जो है ना लोग जुटना चाह रहे हैं और हर रोज़ कमेंट करके पूछते हैं कि हमें कब आना होगा, क्या करना होगा। तो इस तरह से हम आपको एक जानकारी दे दिए कि बेटी प्रिया जो रोज़ विश्लेषण करके नई अपडेट देती है, वो किसी मंत्री से बातचीत करने के लिए जो है आज दिल्ली में गई हुई है, उनके न रहने पर हम ये विश्लेषण आपको जानकारी दे रहे हैं। कमेंट जैसे जैसे आता है कि इस बार हम जो है और आत्मविलोपन कर लेंगे, समाप्ति की तरफ चले जाएंगे, हम समाज के उपेक्षित हो रहे हैं, समाज के लोग, ये आप सोचिए जब एक अवस्था हो जाती है तो आदमी को बीमारियां भी पीछा करने लगती है, दवाइयों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, सम्मान की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पैसे के अभाव में ना ये वृद्धजन अपनी गरिमा को भी खोते जा रहे हैं। ऐसे में आपसे आग्रह है कि इस आंदोलन को आप लोगों ने सार्थक बनाया, काफ़ी लंबे समय तक किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपको मिला है कि धीरे धीरे पेंशन नियोक्ता को 7,500 रुपये प्लस डीए दिया जाए, और इसके फार्म की आपूर्ति जो है जून में थी इसको फिर लंबित करके बढ़ा दिया गया, अभी किया नहीं गया, कम पेंशन ही मिल पा रही है, जो अपडेट है कि आश्वासन तक 7,500 से 15,000 तक कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। आप लोग शिथिल ना पड़े, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भारत के कोने कोने में से, हर राज्य से, अलग अलग दिनों के, जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपको जो है रोज़ देते रहेंगे। मिनी संसद में आपका बार बार स्वागत होता है, आपके हमारा एक कार्यक्रम जो है किस तरह से लगा कृपया कमेंट करके आप बताइएगा। हमारे संस्थान के मालिक श्री मनोज सोराजी जी हैं, वो आप लोगों को एकत्रित भी कर रहे हैं, आंदोलन को पुनः जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो है पूरा कर रहे हैं। जब आप लोग आएंगे तो इसी जंतर मंतर से जो हम संप्रेषण कार्यक्रम आपको प्रसारित करके दे रहे हैं विवेचना के तौर पर, हम लोग यहीं से मिलेंगे, आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। जिस तरह से आप लोग बुजुर्ग हैं, उसी तरह से हमारे घर भी बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों को आज दैनिक आवश्यकता, दैनिक खर्च भी बढ़ गए, आप महंगाई देख लीजिए, दवा का खर्चे देख लीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, समाज की जितनी सारी जरूरतें हैं, क्यों सरकार जो है 8 साल से लंबित करती चली आ रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपसे आग्रह करते हैं कि आप फिर एक बार लामबंद हो, आने वाले समय में आचार संहिता लगने से पहले आप लोग जो है अपना काम करा लीजिए, क्योंकि संघर्ष आप लोगों ने काफ़ी किया है, काफ़ी दिनों से किया है, आप एकदम नज़दीक के मोड़ तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जैसे आप जो है 30 तारीख से इस धरने प्रदर्शन शामिल होंगे, वैसे तो 12 तारीख से लोगों को आना शुरू हो गया कि हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे अपना संगठन बनाएंगे, इस बार की लड़ाई कैसे होगी इसका भी प्रारूप जो है बनाया जाएगा। आप जो है मिनी संसद को आप देखते रहिए और कमेंट के द्वारा आप देते रहिए, हर कमेंट को आपको इसकी रिप्लाई भी मिलेगी, अगर किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि आपको मालूम पड़ती है कृपया वो भी हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और मिनी संसद में आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद, और बहुत सारी विवेचनाएं थी, बहुत सारे कमेंट को हमें पढ़ना था, लेकिन जो है वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए जो है यही करते हैं, अगली विवेचना के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मिनी संसद।